हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे हमारी इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की सीरीज का चैप्टर नंबर 38, जिसका नाम है पंचायती राज। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अच्छा पंचायती राज क्या है वो तो जान लेते हैं, क्या होता है तो जानते हैं आप हमारे भारत में क्या कहता है ये ऐसा पंचायत, मतलब ये आपका पंचायती राज से क्या लग रहा है, रूरल वाला। तो रूरल मतलब जो उसमें गांव वाँव की जो है वो सेल्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, ये होती है इसका मतलब। और इसको सारे स्टेट्स में इंडिया के करा गया है एक्ट्स के माध्यम से स्टेट लेजिस्लेचर के, ताकि जो है वो जड़ों तक जो है आपकी ग्रास रूट लेवल पे हर एक जगह पे गाँव में कस्बे में हर जगह पे डेमोक्रेसी पहुंच सके, ठीक है। और इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करा गया था अपने 73rd, किसके द्वारा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा, ठीक है। अब समझिएगा इवोल्यूशन क्या है पंचायती राज का, ठीक है समझिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कौन कौन सी कमेटी ने क्या क्या रिकमेंड करा था, तो एक गौर से समझिएगा। सबसे पहले हमारी आती है बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। तो जनवरी 1957 की बात है उस वक्त, जब गवर्नमेंट ने क्या करा कमेटी को अपॉइंट करा है ना, ताकि वो एग्जामिन करे वर्किंग जो कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की है 1952 वाले की और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की 1953 की, ठीक है। एंड ये सब करे एग्जामिन करे और भाई सजेस्ट करे कुछ मेजर्स, कैसे अच्छा काम कर सकते हो कैसे नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस जो कमेटी के चेयरमैन थे उनको रखा गया, उनका नाम था बलवंत राय जी मेहता। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी 1957 की जनवरी में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और नवंबर में इसने फटाफट अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी 1957 में, और रिकमेंड करा कि जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है उसकी स्कीम है ना उसको यहाँ पे रिकमेंड करा, जिसकी वजह से आप कह सकते हो इसे अल्टीमेटली इसे कहने लगे पंचायती राज। तो पहली कमेटी कौन है, बलवंत राय जी मेहता, इसने यहाँ रिकमेंड करा था, ठीक है। कुछ रिकमेंडेशन बताऊँ उसकी, तो पहला कि भैया देखो थ्री टीयर पंचायती राज सिस्टम आना चाहिए, मतलब ग्राम पंचायत यहाँ हो, सबसे नीचे हो ग्राम पंचायत, समझ रहे हो, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे हो, उसके बाद पंचायत समिति हो ब्लॉक लेवल पे, उसके ऊपर जिला हो, जिला जानते हैं डिस्ट्रिक्ट, तो जिला पंचायत हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है ठीक है ना। फिर समझिए कि एस्टेब्लिशमेंट थ्री टीयर पंचायती राज सिस्टम का, इसमें ग्राम पंचायत होगी विलेज लेवल पे, ठीक है सबसे नीचे, फिर पंचायत होगी समिति होगी जो है पंचायत समिति होगी ब्लॉक लेवल पे, और तीसरा जिला पंचायत होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। ये जो सारे टीयर्स हैं इनको जो है ऑर्गेनिकली जो है ये लिंक्ड होंगे अपने इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से, कैसे होंगे बाबा, इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से। उसके बाद फिर विलेज पंचायत जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हो डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से, मतलब सबसे जो नीचे वाली है विलेज पंचायत, इसमें डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, जहाँ पे जो समिति और जिला है इनकी दोनों वाली हो, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट करी जाए, ठीक है। ये बात कही गई बलवंत राय जी मेहता के कमेटी के द्वारा। तीसरी बात ये कही गई कि सारे जो प्लानिंग और डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं ये सब जो है इनके सारी इन बॉडीज के हाथ में दी जाए, जो पंचायत समिति है इसको जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाया जाए, मतलब जो 20 वाली है समिति वाली है, तीन है ना यहाँ पे, विलेज जिला है समिति है और आखिरी में विलेज है, जो समिति है जो 20 वाली है यहाँ पे इसके पास क्या हो कि इनको एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाया जाए, वाइल जो जिला है जो सबसे ऊपर वाली है इसे एडवाइसरी बनाए, सिर्फ एडवाइस देगी कोऑर्डिनेट करेगी और सुपरवाइजरी होगी, सबको दोनों नीचे वाले को सुपरवाइज करेगी, बात ठीक है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं यहाँ पे चेयरमैन बने जिला जिला परिषद के, जिला परिषद होगा इसका जो मतलब परिषद पंचायत मैंने कह दिया, जिला परिषद जो है इसके जो हेड हो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, ठीक है डीसी हो यहाँ पे हेड हो, और जो यहाँ पे जो है जेन्युइन ट्रांसफर हो पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी का इन सारे डेमोक्रेटिक बॉडीज में, सब में जो है पावर बढ़िया से हो, एडिक्वेट रिसोर्सेज भी इनको दिए जाएँ ताकि अपना काम सही से कर सकें, और जो है बाकी सारे जो रिकमेंडेशंस थी कमेटी की इनको देखिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा जनवरी 1958 में एक्सेप्ट भी कर लिया गया था। काउंसिल ने यहाँ पे देखिए इंसिस नहीं करा एक सिंगल रिजिड पैटर्न्स, बस ये स्टेट्स के हाथ में छोड़ दिया कि बाबा तुम जैसा चाहो तुम अपने हिसाब से वैसा कर सकते हो, ठीक है स्टेट्स अपने हिसाब से सूटेबल लोकल कंडीशन देख के जितना चाहें वैसे कर सकती हैं, बट जो बेसिक प्रिंसिपल था फंडामेंटल्स का ये आइडेंटिकल था पूरे कंट्री में। तो देखिए हुआ क्या, इस हिसाब से चला क्या कि राजस्थान अपना जो है उसने यहाँ पे पहला स्टेट बन गया ये राजस्थान, इसने इस पंचायती राज को यहाँ जो है वो अपने यहाँ लेकर आया, स्कीम जो है इनॉग्रेट करी गई प्राइम मिनिस्टर के द्वारा
2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में बात हुई, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान के बाद फिर आया अपना आंध्र प्रदेश, है ना, जिसने सिस्टम 1959 में अडॉप्ट करा फिर से, और इसलिए कई सारी स्टेट्स आती गई। हालांकि ज़्यादातर स्टेट जो है 1960 तक आई हैं, है ना, और यहाँ पे कई सारे डिफरेंस स्टेट में भी रही, जैसे कि मान लीजिए टीयर कम थे कहीं पे, कहीं पे पोजीशन जो समिति और परिषद की थी उसका थोड़ा चेंज था, टेन्योर कहीं कम था, कहीं फंक्शन कम थे, है ना। कुछ सर एग्जाम्पल जैसे राजस्थान है ना, इसने तो बाबा उठाया 3 टीयर सिस्टम ही, ठीक है, जिसमें वही जगह तमिलनाडु ने 2 ही सिस्टम उठाया, ठीक है, और वेस्ट बंगाल ने यहाँ पे जो है वो 4 टीयर उठा लिया, तो टीयर टीयर अपने हिसाब से चेंज होता रहा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पंचायत समिति वो पावरफुल थी, मतलब राजस्थान आंध्र प्रदेश जो पैटर्न था उसमें पंचायत समिति पावरफुल थी एज अ ब्लॉक, ठीक है, वॉज अ यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, वाइल जो महाराष्ट्र गुजरात पैटर्न था उसमें जिला परिषद पावरफुल था, समझ रहे, तो पावर पावर का चेंज होता रहा। अच्छा कुछ कमेटीज और बताऊँ तो, ये आपका कमेटी ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ पंचायती स्टैटिस्टिक्स आई थी वीआर राव के द्वारा, और आपका स्टडी टीम ऑन न्याय पंचायत 62 में आई थी जीआर राजगोपाल के द्वारा, और ऐसी कई सारी और भी आई थी। उसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट कमेटी के बारे में जो कि है अशोक मेहता कमेटी, ठीक है। तो देखिए दिसंबर 1977 की बात है अब यहाँ पे, जब जनता गवर्नमेंट ने एक कमेटी को अपॉइंट करा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए, जिनके चेयरमैन रहे थे अशोक मेहता जी, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी 78 में सही सबमिट कर दी, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने 132 रिकमेंडेशन दी, 132 दी, ठीक है। मेन रिकमेंडेशन आपको बताते हैं कि 3 टीयर सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं, 3 टीयर सिस्टम होना चाहिए पंचायती राज में, और जो 3 टीयर सिस्टम है पंचायती राज में इसको रिप्लेस कर दो भाई 2 टीयर सिस्टम से। क्या कह दो कि 3 टीयर सिस्टम को रिप्लेस कर दो 2 टीयर सिस्टम से, इसका मतलब जिला परिषद बना दो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उसके नीचे मंडल पंचायत बना दो जिसमें ग्रुप ऑफ विलेजेस का, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 15 से 20 हजार है, ठीक। दूसरी बात कही गई कि डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हो, है अंडर पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल, है ना, ये स्टेट लेवल के नीचे जो है यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हो वो फर्स्ट पॉइंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन हो। तीसरी बात जिला परिषद जो है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दो इसको, पहले क्या हो रहा था मामला कि समिति को एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाने के लिए, यहाँ पे कहा गया इनके द्वारा कि जिला परिषद को एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दो और यहाँ प्लानिंग और डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्लानिंग इसको दे दो, ठीक है। अच्छा चौथी बात ये कही गई कि यहाँ पे एक ऑफिशियल पार्टिसिपेशन हो पॉलिटिकल पार्टीज का हर एक लेवल पे पंचायत इलेक्शन में। फिर कहा गया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कंपल्सरी पावर दे दो टैक्सेशन वगैरह की, यहाँ पे रेगुलर ऑडिट हो, स्टेट जो है वो सुपरसीड ना करे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, न्याय पंचायत जो है वो सेपरेट बॉडीज रहे डेवलपमेंट पंचायत से, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर स्टेट का रहे, चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ में आए तब वो यहाँ पे कंडक्ट कराए पंचायती राज इलेक्शन को, फिर डेवलपमेंट फंक्शंस यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए जाएं जिला परिषद के हाथ में और सारे डेवलपमेंट स्टाफ जो है वो कंट्रोल उसके अंदर आ जाए, वॉलंट्री जो एजेंसीज हों वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें मोबिलाइज करने में जो भी सपोर्ट है गरीब लोगों का पंचायती राज में, मिनिस्टर पंचायती राज के जो हैं वो अपॉइंट करे जाएं स्टेट काउंसिल मिनिस्टर के तौर पे ताकि वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को देखें कैसा क्या हो रहा है, जो एससी एसटी के लिए सीट है वो रिजर्व कर दी जाए पॉपुलेशन के बेसिस पे, और आखिरी में उन्होंने कही जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन है ये जो है जो इससे क्या होगा कि ये दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया जाए पंचायती राज को, ठीक है, इसकी वजह से सैंक्शनिटी वगैरह है स्टेटस जो इसका है रिक्विजिट स्टेटस जो है वो यहाँ पे इनको मिले ताकि ये कॉन्टिन्यूसली फंक्शन करें, ठीक है। तो देखिए जनता गवर्नमेंट तो गिर गई थी, है ना, इसका टर्म को कंप्लीट होने से पहले तो कोई भी एक्शन लिया नहीं जा सका, अशोक मेहता कमेटी का कोई एक्शन नहीं लिया जा सका, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे। हालांकि तो 3 स्टेट थी कर्नाटका वाली, आपकी वेस्ट बंगाल वाली और आंध्र प्रदेश वाली, इसने कुछ स्टेप लिए और कुछ अपने हिसाब से रिकमेंडेशन जो है वो उठाए जरूर अशोक मेहता कमेटी की, ठीक बात सही है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट लेकर आते हैं जी वी के राव कमेटी के बारे में। तो अब ये क्या है, तो देखिए कमेटी ये फिर से ये रिव्यू कर रही थी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट चल रहा था रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के लिए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, इनके क्या नाम थे, जी वी के राव। इसे अपॉइंट करा गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा 1985 में, ठीक है, कब करा गया था 85 में। कमेटी इस कंक्लूजन पे आई कि डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो धीमे धीमे उसको ब्यूरोक्रेटाइज करो और डाइवोर्स करो पंचायती राज से। ये फिनोमेना जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन का था डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में ये अगेंस्ट था, आप जानते हो डेमोक्रेटाइजेशन के, इसने अगेंस्ट द डेमोक्रेटाइजेशन वीकेंड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिजल्टिंग इन
वॉट एम्पली कॉल्ड एज ग्रास विदाउट रूट्स, है ना। आप ये कह सकते हो अगर ऐसा कर दोगे तो भाई क्या होगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पे वो वीक हो जाएंगे, ठीक है। और इसलिए कमेटी जो है उसने कुछ रिकमेंडेशन दी इसको मजबूत बनाने के लिए। तो देखिए क्या दी इसने कहा, जी वी के राव कमेटी ने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी है मतलब जो जिला परिषद है ये यहाँ इम्पोर्ट ये इसका जो है इसको पाइवेटल इम्पोर्टेंस दी जाए स्कीम में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की। ये कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट है ये प्रॉपर यूनिट है प्लानिंग के लिए डेवलपमेंट के लिए, जिला परिषद यहाँ पे जो है वो बने एक प्रिंसिपल बॉडी मैनेजमेंट के लिए जो सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम देखे, समझ में आई बात, और जो कि हैंडल होते हैं उस लेवल पे सारे देखे। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल्स पे ये असाइन हो एक इम्पोर्टेंट रोल इनको मिले, प्लानिंग को लेके मॉनिटर करें डेवलपमेंट को लेके, कुछ प्लानिंग फंक्शन स्टेट लेवल पे ये ट्रांसफर कर देना डिस्ट्रिक्ट लेवल को, ठीक है। एक जो पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की ये यहाँ बनाई जाए, ठीक है। ये यहाँ पे क्या काम करेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम करेगा जिला परिषद में। और जो पंचायती राज के इलेक्शंस हैं इंस्टीट्यूशन के जो इलेक्शन हैं ये हों रेगुलर बेसिस पे हों, ठीक है। मतलब ये इन्होंने देखा कि इलेक्शन जो है जो ओवरड्यू हो जाते हैं 1 से 2 ईयर में 11 स्टेट में, तो इसमें रेगुलर बेसिस पे हों, ठीक है। दस ये जो कमेटी थी अपनी स्कीम जो इसकी थी डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, ठीक है, इसने एक लीडिंग रोल पंचायती राज को दिया लोकल प्लानिंग और डेवलपमेंट में। ये था कि रिकमेंडेशन जीवी के राव कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी 1986 में, ठीक है, ये डिफरेंट थी जो आपका दंत वाला कमेटी की रिपोर्ट आई थी ब्लॉक लेवल प्लानिंग पे 1978 में, ठीक है, उससे डिफरेंट थी। और हरमंत राव जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग पे 1984 उससे भी डिफरेंट थी। दोनों ही कमेटीज ने बात सजेस्ट करी थी कि बेसिक डिसेंट्रलाइज प्लानिंग जो है वो फंक्शन करती है ना, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करी जाए, ठीक है। यहाँ पे हनुमंत राव कमेटी ने एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडीज को यहाँ पे जो है वो एडवोकेट करा था इधर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए या फिर मिनिस्टर के लिए। तो दोनों ही मॉडल्स में यहाँ क्या था, कलेक्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल था इसका ना, अभी इतना कुछ मत जाइए। जी वी के राव ने रिकमेंड करा था कि डेवलपमेंट रोल जो है यहाँ पे कम हो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का और इसमें ज़्यादा मेजर रोल जो है वो पंचायती राज का हो जाए डेवलपमेंट में, क्लियर है। 3 टीयर की सिस्टम किसने कहा है अभी तक जो कहा गया है, बलवंत राय जी मेहता के द्वारा करा गया है, इनके द्वारा तो 2 टीयर कहा गया था। तीसरी बात करें एलएम सिंघवी कमेटी के बारे में, तो ये बात हो गई 1986 की जब राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट ने एक कमेटी को ये अपॉइंट करा ताकि वो प्रिपेयर करे कॉन्सेप्ट पेपर ऑन रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के लिए, जिसके चेयरमैन रहते एलएम सिंघवी, ठीक है। और इसने कुछ रिकमेंडेशंस भी करी जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज हो प्रोटेक्टेड हो प्रिजर्व हो, इस पर्पस के लिए एक नया चैप्टर जो है ऐड करा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बनाएगा मतलब अ न्यू चैप्टर शुड बी एडेड करा मतलब करा जाना चाहिए, एक एक नया चैप्टर करा जाना चाहिए। ये क्या करेगा कि ये आइडेंटिटी इंटीग्रिटी आपका रीजनेबल सस्टेनेबिलिटी जो है वो बढ़ाएगा। इसने ये बात सजेस्ट करी कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो है इसमें फ्री फेयर इलेक्शन हो पंचायती राज बॉडीज के लिए। दूसरी बात क्या कही सिंघवी की कमेटी ने कहा कि न्याय पंचायत यहाँ पे स्टैब्लिश करे जाए फॉर द क्लस्टर ऑफ विलेजेस। तीसरी बात कही विलेजेस यहाँ पे अपने आप को रीऑर्गेनाइज करें ताकि ग्राम पंचायत बने ज़्यादा अच्छे से बने, और ये इसमें जो है ये इम्फेसाइज करे इसने इम्पोर्टेंट जो ग्राम सभा की है ना, और उसकी भी इम्पोर्टेंस यहाँ दिखाई। और कहा विलेज पंचायत जो है उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिले, जुडिशियल ट्रिब्यूनल यहाँ पे इस्टेब्लिश हो हर एक स्टेट में ताकि कॉन्ट्रोवर्सी वगैरह जो है इलेक्शन की यहाँ पे देखी जा सके, क्लियर है। तीसरी बात करते हैं यहाँ पे थंगन कमेटी के बारे में। तो देखिए अब 88 की बात है, ये 1988 की बात है, एक सब कमेटी कंसल्टेटिव कमेटी पार्लियामेंट की, इसको चेयरमैन थे पी के थंगन, ये एग्जामिन करती है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ना, इसको यहाँ करा गया कुछ, इसने रिकमेंडेशन ये दी कि पंचायती राज बॉडीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में आए। एक 3 टीयर सिस्टम पंचायती राज का, पंचायत विलेज लेवल पे ब्लॉक लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। तो अब कौन हो गया, एक इसने कहा था 3 टीयर सिस्टम, एक इसने कहा है 3 टीयर सिस्टम, ठीक है। जिला परिषद जो है यहाँ पे जो है प्राइवेट हो पंचायती राज सिस्टम में, और एक प्लानिंग डेवलपमेंट एजेंसी का काम करें। पंचायती राज बॉडी जो है इनके पास फिक्स टेन्योर हो 5 सालों का, इन्होंने कहा है यहाँ पे कि 5 साल का टेन्योर होना चाहिए, और मैक्सिमम जो पीरियड हो सुपर सेशन का ये 6 महीने का हो। उसके बाद प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन कमेटी सेटअप हो स्टेट, और जिसके चेयरमैन जो हो वो मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग हो, और जो प्रेसिडेंट हो जिला परिषद के ये इसके मेंबर भी हो। डिटेल लिस्ट हो यहाँ पे सब्जेक्ट्स की पंचायती राज के लिए, है ना, इसको प्रिपेयर करो, रिजर्वेशन रखो सीट्स का, है ना, सारे 3 टीयर सिस्टम में। औरतों के लिए रिजर्वेशन भी रखो,
स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है यहाँ सेटअप भी हो हर एक स्टेट में, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो जिला परिषद का। ठीक है, आखिरी में बात करेंगे हम गडजिल कमेटी के बारे में। तो देखिए गडजिल कमेटी में क्या हुआ कि कमेटी पॉलिसी प्रोग्राम को लेके 1988 में इसको भी करा गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जिसके चेयरमैन थे वी एन गडजिल। ठीक है, इस कमेटी ने से भैया पूछा गया कि किस तरह से बेस्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आप कर सकते हो, इफेक्टिव कैसे होगा। तो इसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो, है ना, ये शुड बी बिस्टोर्ड ऑन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। उसके बाद थ्री टीयर सिस्टम पंचायती राज का हो, जिसमें पंचायत हो, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो क्या हो गया भाई, बलवंत राय जी मेहता, थनगन और गडजिल तीनों ने कहा है थ्री टीयर सिस्टम के लिए। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो टर्म है वो 5 साल का कर दो, तो इसने भी 5 साल कहा है, इसने भी 5 साल कहा है। पंचायती राज जो मेंबर्स हैं तीनों लेवल पे ये डायरेक्टली इलेक्ट हो, और रिजर्वेशन एससी एसटी और औरतों का हो, ये रिस्पॉन्सिबल हों सारे के सारे बॉडीज, ये प्लान करने के लिए सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और पंचायती राज बॉडीज जो हैं वो यहाँ पे लिवाए कर सकें, कलेक्ट कर सकें टैक्सेस वगैरह, ड्यूटी वगैरह को, एस्टैब्लिशमेंट हो स्टेट फाइनेंस कमीशन का फाइनेंस देने के लिए इनको, और यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी हो ताकि यहाँ पे इलेक्शन हो सकें बढ़िया। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन थी, ये बेसिस बनी और अमेंडमेंट बिल हुआ इससे, और स्टेटस आया प्रोटेक्ट करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, आगे बढ़े। फिर आई बात कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन की, तो आइए एक एक करके समझते हैं। हमारी प्यारी थी राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, तो देखिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लोकसभा में, 1989 की बात है, ताकि भाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दो और उसे पावरफुल बना दो। हालांकि लोकसभा ने बिल पास कर दिया था 1989 में, लेकिन ये अप्रूव राज्यसभा ने करा नहीं, और ये अपोज करा गया ऑपोजिशन के द्वारा इस बात पे कि अगर मतलब मजबूत बना दोगे, मतलब कि मतलब इस ग्राउंड पे यहाँ पे अपोज करा गया दैट इट सॉट टू सेंट्रलाइजेशन इन द फेडरल सिस्टम। उसके बाद आई फिर वीपी सिंह, नहीं थे वीपी सिंह जी की गवर्नमेंट आई। अब क्या हुआ कि नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी, और जल्द ही जैसी आई 1989 में, इसने प्राइम मिनिस्टर रहे थे वीपी सिंह, इसने ये कहा कि जो है कुछ स्टेप लेगी मजबूत बनाने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। और जून 1990 की बात है जब एक 2 दिनों का कॉन्फ्रेंस करा गया स्टेट मिनिस्टर्स के द्वारा, जिसके चेयरमैन रहे वीपी सिंह, ऐसे डिस्कस करे इशू वगैरह कैसे मजबूत बना सकते हो इसको पंचायती राज को, और कॉन्फ्रेंस ने अप्रूव कर दिया प्रोविजन को और कहे एक मतलब एक फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेकर आ गए। लेकिन मामला क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को जो है लोकसभा में करा गया सितंबर 1990 में, हालांकि गवर्नमेंट जो है वो फॉल हो गई और बिल लैप्स हो गया। फिर तीसरी आई नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, जानते हैं आप कांग्रेस गवर्नमेंट आई, प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, एक बार फिर ये कहा गया, ये मैटर उठा पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन करना चाहिए। धीमे धीमे इसने मॉडिफाइड करे प्रपोजल, इस रिगार्ड में क्या हुआ कि कॉन्ट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स आए और इंट्रोडक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का लोकसभा में सितंबर 1991 में। बिल फाइनली बन गया, अब यहाँ पे जो है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बना, ये 1992 में, और ये 24 अप्रैल 1993 से जो है वो लागू हो गया। ठीक है, कितनी दिक्कत से हुआ, किसी गवर्नमेंट में हुआ है ये, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में कांग्रेस के। आगे बढ़े, आगे बात करते हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, आखिरकार है क्या। तो सबसे पहले भाई जान लो सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इस एक्ट की। तो देखो पार्ट नंबर 9 में ऐड करा गया कॉन्स्टिट्यूशन के, पार्ट कौन सा है ये बाबा, 9 पार्ट है। ठीक है, इस पार्ट में पंचायती राज है, जिसमें आपकी प्रोविजंस हैं आर्टिकल 243 से लेके, है ना, यहाँ से लेके 243O तक के लिए। हाँ, 11th स्केड्यूल भी इसके रहते आया, और इस स्केड्यूल में करीब 29 फंक्शनल आइटम्स थे पंचायत के, जो कि आपका डील करते थे आर्टिकल 243G से, 243O तक के लिए चलेगा, तो 243G जो था उसमें, अभी समझाते हैं क्या है। तो इम्पोर्टेंस जानते हैं, एक्ट ने एक प्रैक्टिकल शेप दे दिया आर्टिकल 40 को, है ना, जो कहता है कि स्टेट के पास वे स्टेट स्टेप्स ले ऑर्गेनाइज करने के लिए पंचायत को, है ना, और यहाँ पे जो है एंडो करे उन्हें, ऐसी पावर दे, अथॉरिटी की पावर दे, ये सब मिला। अब एक्ट देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा, है ना, ये मतलब क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे अब
ग्रासरूट लेवल पे, नीचे के लेवल पे यहाँ पे जो है वो कुछ ना कुछ बन गया था, ठीक है। और ये डेमोक्रेसी को बिल्ड करने का बहुत अच्छा तरीका था। आगे बात करते हैं, चलिए साइलेंट फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो साइलेंट फीचर सबसे पहले ग्राम सभा के बारे में, तो देखिए ग्राम सभा इससे बन रही थी, इस एक्ट से, है ना। पंचायती राज सिस्टम का जो फाउंडेशन था वो ग्राम सभा था। ये ऐसी बॉडी थी जिसमें वो लोग थे जो कि इलेक्टोरल रोल जो विलेज के थे उसमें से रजिस्टर्ड थे, जिसमें आपका एरिया पंचायती राज का था विलेज लेवल पे, ठीक है। तो वहाँ के लोग थे, वहाँ इसमें थे, इसलिए विलेज असेंबली जिसमें सारे ही रजिस्टर्ड वोटर्स थे उस एरिया के पंचायत के, और इसमें मतलब ये एक्सरसाइज कर सकती थी ऐसी पावर्स और परफॉर्म करती थी ऐसे कुछ फंक्शन को विलेज लेवल पे, जैसा लेजिस्लेचर चाहे स्टेट डिटरमाइन करे, ठीक है। जो स्टेट का लेजिस्लेचर है जैसा भी डिटरमाइन करे, ये यहाँ पे मामला था। उसके बाद थ्री टीयर सिस्टम की बात करें तो आपने ये तो हमने सुना ही, हर एक स्टेट में कि मतलब पंचायत में विलेज लेवल पे हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, ठीक है। तो समझ गए आप कितना कुछ कवर हो जाता। तीसरा क्या, इलेक्शन हो मेंबर्स का और चेयरपर्सन का, मतलब सारे मेंबर पंचायत के, विलेज के, इंटरमीडिएट के, है ना, ये डायरेक्टली जो है वो इलेक्ट हो लोगों के द्वारा। आगे चेयरपर्सन जो पंचायत का है वो इंटरमीडिएट पे हो, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो एक इनडायरेक्टली करे जाए, तो ये सब मामला हो यहाँ पे, है डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मामला हो। उसके बाद रिजर्वेशन सीट का, ये भी यहाँ पे कहा गया कि भाई एससी एसटी के लिए सीट्स हो, औरतों के लिए सीट्स हो, है ना। और एक्ट ने ये भी कहा कि रिजर्वेशन जो है वो 1/3 से कम ना सीट दे टोटल नंबर ऑफ सीट्स का औरतों के लिए, जिसमें आपका जो है वो सीट्स आती हैं वुमेन की बिलोंगिंग टू एससी एसटी, ठीक है। और जो एक्ट है ये भी प्रोवाइड करा था रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हो, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी हो, समझ में आई बात। एक्ट ने बात ऑथराइज भी करी थी यहाँ पे कि लेजिस्लेचर है स्टेट का ये प्रोविजन बनाए रिजर्वेशन करने के लिए सीट्स का यहाँ पंचायती राज में, और ये सारी बात हो जो रिजर्वेशन है सीट्स का एज वेल एज रिजर्वेशन जो ऑफिसर्स का है पंचायत में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, ये सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ स्पेसिफाई आर्टिकल, इतना छोड़िए। तो अब क्या है ये, यहाँ पे समझने वाली बात ये है सिर्फ कि जो प्रोविजन थी रिजर्वेशन को लेके पंचायत में, चाहे वो मेंबर्स हो या चेयरपर्सन हो शेड्यूल कास्ट के, ये अप्लीकेबल नहीं थी अरुणाचल प्रदेश में। ये इसलिए क्योंकि स्टेट में यहाँ पे इनहेबिटेड था, ये फुली इंडिजीनियस ट्राइबल पीपल थे यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी शेड्यूल कास्ट था ही नहीं। तो इस प्रोविजन को बाद में आपका 83rd आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसको इसके अंदर ऐड करा गया था जो 2000 का था, मतलब 2000 में आया था। अब ड्यूरेशन ऑफ पंचायत की बात हुई यहाँ पे, तो 5 साल का टर्म, ठीक है, हर एक लेवल पे। और हालांकि ये डिसॉल्व हो सकती है उसके पहले, अगर मान लीजिए जो है फ्रेश इलेक्शन भी हो सकते हैं उसके पहले। अब यहाँ पे गौर से समझिएगा इस बात को कि एक्सपायरी हो सकती है अगर, मतलब ये कब 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 होगी कंप्लीट, मतलब ऐसे कि नए फ्रेश इलेक्शन कब होंगे, फ्रेश इलेक्शन तब होंगे जब एक्सपायरी हो जाए 5 ईयर्स की, ठीक है। अगर डिसोल्यूशन हुआ है तो एक्सपायरी से, मतलब एक्सपायरी से पहले अगर डिसोल्यूशन हो गया है ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अ डिसोल्यूशन, ठीक है, तो यहाँ पे डिसोल्यूशन होने के 6 महीने के भीतर इलेक्शन होना जरूरी है, ठीक है। बट वेयर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड, अब अगर जैसे मान लीजिए डिसोल्यूशन हो गया, ठीक है, अब नए इलेक्शन हो गए, ठीक है, 6 महीने के अंदर नए इलेक्शन हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इट शेल नॉट बी नेसेसरी टू होल्ड एनी इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ न्यू पंचायत फॉर सच पीरियड, ठीक है। मोर ओवर जो पंचायत कॉन्स्टिट्यूट होती है डिसोल्यूशन के बाद, मतलब मान लीजिए भाई डिसोल्यूशन हो गया, ठीक है, डिसोल्यूशन के बाद जो यहाँ पे पंचायत फिर से आती है, ठीक है, तो यहाँ पे है वो सिर्फ कंटिन्यूट करेगी सिर्फ उसी वक्त तक के लिए जब तक के लिए वो वाली पुरानी वाली पंचायत रहती थी, कि मान लो 5 साल का मामला था, ठीक है, 5 साल वो रहती। अब क्या हुआ कि उसका 2 साल बाद ही डिसोल्यूशन हो गया, तो जो नया इलेक्शन कंडक्ट हुआ 6 महीनों के भीतर, इसमें जो भी नई पंचायत आई वो सिर्फ बचे हुए 3 सालों के लिए ही रहेगी, समझ में आ रही है बात। डिस्क्वालिफिकेशन की बात समझ लीजिए, तो क्या हुआ, पर्सन डिस्क्वालिफाई हो सकता था मेंबर की तरह चूज होने में, या डिस्क्वालीफाई हो सकता था किसी भी लॉ के अंदर टाइम बीइंग इनफोर्स फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शन और टू द लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट कंसर्न, या फिर किसी भी लॉ के अंदर जो कि स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया हो। लेकिन आप किसी को भी ऐसे भी डिस्क्वालीफाइड नहीं कर सकते हो कि 25 साल के कम का है, या अगर ये 21 साल की इसने उम्र ले ली है तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात कर देंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन की, तो डायरेक्शन वगैरह, सुपरिटेंडेंस वगैरह, कंट्रोल वगैरह, इलेक्टोरल रोल वगैरह को बनाना, ये सब इनके हाथ में है स्टेट इलेक्शन कमीशन के, ठीक है। ये कंडीशन सर्विस की जो है वो वैरी नहीं होगी, और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो प्रोविजन बना सकता है सारे मैटर को लेके जो कि इलेक्शन से रिलेटेड है पंचायत के, ठीक है।
पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में बताते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास जो है पावर है ना, ये कह सकता है पंचायत को ऐसी पावर अथॉरिटी भी दे सकता है जैसे उसको लगेगा कि फंक्शन करने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि प्लान वगैरह बनाने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, है ना, या इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए स्कीम का, ठीक है, ये सारी बातें। फाइनेंसिस का बताते हैं आपको। तो देखिए स्टेट लेजिस्लेचर कह सकता है फाइनेंसिस के लिए पंचायत को कि भैया टैक्स लगा दो, कलेक्ट कर लो ड्यूटीज़, टोल्स, फीस, ठीक है। पंचायत को कह सकता है कि भाई असाइन कर सकता है पंचायत को टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स, फीस जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। प्रोवाइड कर सकता है ग्रांट इन एड पंचायत को, है ना, कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट से, या फिर प्रोवाइड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड्स ताकि, या मतलब फॉर क्रिएटिंग ऑल मनीज ऑफ द पंचायत, है ना, वहाँ पे आप प्रॉपर रख लो। उसके बाद फाइनेंस कमीशन की बात कर लेते हैं। तो गवर्नर जो कि स्टेट का है, ये हर एक 5 साल में फाइनेंस कमीशन बनाएगा, ठीक है, ताकि फाइनेंशियल प्रोविजन देखी जा सके पंचायत की। तो कौन बनाएगा? गवर्नर बनाएगा, ठीक है। तो ये कुछ रिकमेंडेशन देगी गवर्नमेंट को, जैसे कि प्रिंसिपल दैट शुड गवर्न, ठीक है, क्या प्रिंसिपल के हिसाब से गवर्न करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो स्टेट और पंचायत के बीच में, है ना, कैसे प्रोसीड करें, नेट प्रोसीड जो टैक्सेस की है, ड्यूटीज़ की है, टोल्स की है, फीस की है स्टेट के द्वारा लगाई जाती है, और कैसा शेयर हो इसका पंचायत और स्टेट के बीच में, डिटरमाइन करें टैक्सेस को, ड्यूटीज़ को, टोल्स को, फीस को जो जो है वो असाइन करे जाएंगे पंचायत को, फिर ग्रांट इन एड पंचायत को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से, मेजर्स कैसे भैया फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी कर सकते हो पंचायत की, ये रिकमेंड करती है, कोई भी तरह का दूसरा मैटर भी करती है, ठीक है। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन यहाँ पे ये भी सजेस्ट कर सकती है कुछ मेजर्स जैसे कि ज़रूरत पड़ती है स्टेट को, ठीक है, पंचायत को लेके। उसके बाद एक आता है आपका ऑडिट ऑफ अकाउंट, तो मतलब स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे प्रोविजन बना सकती है कैसे ऑडिट करोगे, ठीक है, उसको लेके। एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरी बताते हैं, तो जो प्रोविजन है इस पार्ट की ये एप्लीकेबल है यूनियन टेरिटरी को, बट यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये अप्लाई करेगी यूनियन टेरिटरी को विद सच एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन, ऐसा उनको लगेगा एक्सेप्शन के हिसाब से। फिर एक आता है एग्जेम्प्टेड स्टेट्स एंड एरियाज, है ना, ये एक्ट देखिए अप्लाई नहीं करता स्टेट्स ऑफ नागालैंड को, मेघालय को और मिजोरम का, कुछ जो पर्टिकुलर इनके जो एरियाज हैं उनमें यहाँ ये काम नहीं करता है। इसमें आपका एरिया आता है जिसमें शेड्यूल क्लाइस और शेड्यूल एरियाज हैं या ट्राइबल एरियाज हैं स्टेट्स के, या फिर हिल एरियाज आपके मणिपुर के जो हैं, है ना, और जहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सिर्फ है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हो गई आपकी वेस्ट बंगाल की जिसके लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल है, ठीक है, तो ये सब है। हालांकि जो पार्लियामेंट है यहाँ पे प्रोविजन वगैरह बढ़ाता घटाता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, और पीसा एक्ट भी आया था इसके लिए और 1996 में, इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। फिर कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉस इन पंचायत, तो जो सारे स्टेट लॉस हैं पंचायत से लेके ये सारे जो है वो रहेंगे तब तक के लिए, एक्सपायरी नहीं हो जाती 1 साल की फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। दूसरे शब्दों में देखिए स्टेट जो है यहाँ पे नई पंचायती राज सिस्टम अडॉप्ट करेगा इस एक्ट को लेके जो भी है विद इन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 के बाद। तो धीमे धीमे मेजोरिटी ऑफ स्टेट ने पंचायती राज एक्ट को पास कर लिया था 1993 से 1994 के बीच में, ताकि नया सिस्टम लेकर आ जाए 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का 1992 के। उसके बाद था बार टू इंटरफेयर बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, तो जो जो मतलब यहाँ पे एक्ट बार्ड से इंटरफेरेंस अगर कोर्ट कर रहे हैं, इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन द इलेक्टोरल मैटर्स ऑफ द पंचायत, है ना, इसने इट डिक्लेयर्स दैट वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ जो कि डिलिमिटेशन से रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूएंसीज के या अलॉटमेंट सीट से, ये आप किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, है ना, ऐसा भी है, कोई इलेक्शन वगैरह पंचायत का आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो जब तक के लिए इलेक्शन पटिशन ना प्रेजेंट करी गई हो अथॉरिटी के द्वारा। और आखिरी में 11th शेड्यूल के बारे में कुछ बात बता दें जो इसमें ऐड हुआ है, उसमें कुछ 29 फंक्शनल आइटम्स हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, जैसे कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के साथ फिशरी है, रूरल ड्रिंकिंग है, ड्रिंकिंग वाटर है, फ्यूल एंड फोडर है, कल्चर एक्टिविटीज़, लाइब्रेरीज, एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, मेंटेनेंस है कम्युनिटी एरियाज का, तो ये सब है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आता है कंपल्सरी एंड वॉलंटरी प्रोविजंस क्या थी। तो देखिए अब क्या हुआ, अब हम समझ रहे हैं ना, ये कंपल्सरी पढ़ेंगे मतलब जो मैंडेटरी जिसे लगाना ही है, और वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से डिस्क्रिशनरी आपके डिसीजन के ऊपर है। प्रोविजन क्या थी 73rd के पार्ट 9 में, तो देखिए यहाँ पे कंपलसरी वाली बात करते हैं, तो ग्राम सभा का ऑर्गेनाइजेशन तो करना था विलेज या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस में, पंचायत का एस्टैब्लिशमेंट भी कर रहा था विलेज इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डायरेक्ट इलेक्शन भी करने थे सारी सीट के लिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन भी करने थे चेयरपर्सन के लिए पंचायत में और इंटरमीडिएट पोर्ट्स के लिए,
वोटिंग राइट भी देने थे चेयरपर्सन को, दूसरे मेंबर्स को, 21 साल मिनिमम एज रखनी थी, सीट का रिजर्वेशन भी रखना था, 1/3 रिजर्वेशन चाहे मेंबर हूँ और चेयरपर्सन हूँ औरतों के लिए रखना बहुत ज़रूरी था तीनों लेवल पे। टेन्योर और 5 साल का रख दिया गया और इलेक्शन 6 महीनों के भीतर हो अगर डिसोल्यूशन होता है तो, ठीक है, या मतलब जैसा भी होता है डिसोल्यूशन होता है या खत्म होता है टर्म, तो 6 महीने के भीतर इलेक्शन जरूरी था। स्टेट इलेक्शन कमीशन को यहाँ इस्टेब्लिश करना जरूरी था जो कि इलेक्शन करता, और स्टेट फाइनेंशियल कमीशन को भी रखना था, हर 5 साल में इसे यहाँ पे जो है राय देता। अब वॉलंट्री की बात कर लेते हैं, तो बाबा यहाँ पे ग्राम सभा को रखना, इसकी पावर ऑफ फंक्शन विलेज लेवल पे हो, ये मर्जी है, किस तरह से इलेक्शन हो चेयरपर्सन के, मर्जी है। रिप्रेजेंटेशन चेयरपर्सन का विलेज पंचायत पे, इंटरमीडिएट पंचायत पे, स्टेट के टाइम पे, ये मतलब नॉट हैविंग इंटरमीडिएट पंचायत, तो मर्जी है। रिप्रेजेंटेशन चेयरपर्सन का इंटरमीडिएट पंचायत में, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, मर्जी है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये फाइनेंशियल पावर देना पंचायत को है ना, ताकि वो टैक्स वगैरह लें, फिर ये जो है आपका जो है असाइन करना पंचायत को टैक्सेस वगैरह को, कुछ आपका ग्रांट ही नेट देना है ना, कॉन्स्टिट्यूशन फंड्स प्रोवाइड करना, ठीक है, तो ये सब जो है मर्जी है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पीसा एक्ट 1996 का एक्सटेंशन एक्ट से कहते हैं, तो पार्ट 9 की जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन थी पंचायत से, ये 5th शेड्यूल एरिया में अप्लीकेबल नहीं थी। हालांकि जो पार्लियामेंट था वो इन सारे प्रोविजन को ऐसे एरिया में एक्सटेंड कर सकता था 5th शेड्यूल एरिया में, ठीक है, इसके अंदर जो प्रोविजन थी पार्लियामेंट की, इसने इनैक्ट करा प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, ठीक है, यहाँ 5th शेड्यूल में थी नहीं, तो एक नया एक्ट आया बाबा जिसका नाम था प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 का, ठीक है, जिसे आप कहते हो पीसा एक्ट, प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, ठीक है। आज की डेट में मतलब 2019 तक की डेट में 10 तरह के मतलब जो स्टेट्स हैं उनके पास 5 शेड्यूल एरियाज हैं, इनमें आपका आंध्र प्रदेश आता है, तेलंगाना आता है, छत्तीसगढ़ आता है, गुजरात आता है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान आते हैं, है ना। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव जानने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ के पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। तो एक्सटेंड करना प्रोविजन 9th पार्ट की, ठीक है, पंचायत से रिलेटेड है, तो शेड्यूल एरिया में एक्सटेंड करना इनकी प्रोविजन, सेल्फ रूल देना ट्राइबल पॉपुलेशन को, विलेज गवर्नेंस हो जिसमें डेमोक्रेसी हो बढ़िया, सूटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क हो, सेफगार्ड करना ट्रेडिशनल और कस्टम जो कि ट्राइबल कम्युनिटी के थे, मजबूत बनाना पंचायत वगैरह को हर एक लेवल पे, और पंचायत को प्रिवेंट करना एट द हायर लेवल जिसके पास पावर अथॉरिटी है ना, और लोअर लेवल ग्राम सभा से, ठीक है। उसके बाद फीचर्स की बात करते हैं, फीचर्स क्या हैं इसके, ये एक समझ लीजिए यहाँ पे कस्टमरी लॉ है, सोशल हो, रिलीजियस हो, प्रैक्टिसेस हैं, और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट भी होता है कम्युनिटी रिसोर्सेज का। विलेज यहाँ पे जो है वो ऑर्डरली कंसिस्ट करता है, कुछ मतलब ऐसे लोग होते हैं जो मतलब जिनको यहाँ पे ज़रूरी होता है प्रोटेक्ट करना, हर एक विलेज के पास ग्राम सभा होती है लोगों की, जिनके नाम जो है इलेक्टोरल रोल्स में होते हैं पंचायत पे, स्टेट विलेज लेवल पे, हर एक ग्राम सभा जो है उसके पास सेफगार्ड होते हैं जो अपना ट्रेडिशन वगैरह प्रोटेक्ट करें, हर एक ग्राम सभा जो है वो अप्रूव करे प्लान प्रोग्राम वगैरह को, और रिस्पॉन्सिबल हो आइडेंटिफाई करने के लिए बेनिफिशरीज जो कि आते हैं, गरीब लोग जो आते हैं उसके अंदर, और ऐसी बहुत सारी और चीज़ें, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है यहाँ पे सेफगार्ड करता है पंचायत को हाई लेवल से, और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो इंडेवर है कि वो पैटर्न फॉलो करे 6th शेड्यूल का कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये सारी बात है। उसके बाद आगे बात करते हैं फाइनेंसेस ऑफ पंचायत ही राज, ठीक है। अब देखिए आए जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए, ठीक है, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ इंडिया में आए, 2005 से लेके 2009 तक की बात है, इसने कुछ सोर्सेज रेवेन्यू के पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो है वो समराइज करे, और इनका जो फंक्शन प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी कुछ इस तरह से इसने जो है बताया कि जैसे एक मेजर पोर्शन 9th पार्ट 9 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है स्ट्रक्चरल एम्पावरमेंट से ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के, बट जो रियल जो स्ट्रेंथ है ना उनको अटोनमी दो, एफिशिएंसी दो, इन सारे इंस्टीट्यूशन की डिपेंड करती है उसके पैसे पे, फाइनेंशियल पोजीशन पे तो करता सब कुछ डिपेंड करती है, ठीक है। तो फंड आप कुछ तरह से ला सकते हो, जैसे कि ग्रांट मिले यूनियन गवर्नमेंट से, है ना, जिसके जैसे कि जो बेस्ड है रिकमेंडेशंस पे आपकी सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की एज आर्टिकल 280 कहता है ना भैया सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, है ना, कि भाई पैसा देना चाहिए पंचायती राज को, ठीक है,
फिर आपका डिवोल्यूशन जो कि स्टेट गवर्नमेंट से बेस्ड है रिकमेंडेशन पे स्टेट फाइनेंस कमीशन के एज पर 243(1). लोन्स क्या ग्रांट्स स्टेट गवर्नमेंट की, उसके बाद इंटरनल सोर्स जनरेशन चाहे टैक्स हो चाहे नॉन टैक्स हो, ठीक है। फिर बात क्या है कि दो एब्सोल्यूट टर्म्स में जो फंड वगैरह हैं यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के, वो जो ट्रांसफर वगैरह होते हैं पंचायती पंचायत को, ये एक मेजर कॉम्पोनेंट फॉर्म करते हैं इसकी रिसीट का, ठीक है। तो इनका खुद का रिसोर्स जनरेशन भी है PRIs का, और ये सोर्स बात है ये भाई खुद के पास पैसा होगा तभी तो कुछ मामला आगे बढ़ेगा ना, तो लोकल टैक्सेशन बहुत ज़रूरी है और ओन फाइनेंस कलेक्शन वगैरह बहुत ज़रूरी है, और स्टेट पंचायती राज यहाँ पे एक्ट कर मतलब सॉरी स्टेट पंचायती राज एक्ट हम सॉरी स्टेट पंचायती राज एक्ट्स हैव गिवन मोस्ट ऑफ द टैक्सेशन पावर टू विलेज पंचायत। ज़्यादातर जो स्टेट पंचायती राज एक्ट है इसने ज़्यादातर पावर जो है वो सबसे ज़्यादा पावर जो है विलेज पंचायत को दे दी गई है, जो रेवेन्यू डोमेन है आपका इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट पंचायत में, चाहे वो टैक्स हो या फिर आपका नॉन टैक्स हो, ये जो है वो काफ़ी कम रखा गया है, और ये ऐसा कुछ है। तो एक स्टडी ये बताती है कि कई सारे जो नहीं जो स्टडी है कई सारी लेजिस्लेचर की, ये इंडिकेट करती है कि कई सारे टैक्सेस ड्यूटीज टॉल्स या फीस जो है वो जुडिक्शन में आता है विलेज पंचायत की, है ना। तो ये ऐसा थोड़ा नहीं होना चाहिए, इनको थोड़ा इजी काम में करना चाहिए। अब थोड़ा आखिरी में बात करेंगे क्या रीज़न है जो परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं हो पा रही है, इनएफेक्टिव है। तो देखिए यहाँ पे डिवोल्यूशन की काफ़ी कमी है, मतलब कई सारे स्टेट ने जो कोई एडिक्वेट स्टेप नहीं लिए हैं 3 F's के, मतलब फंक्शन बढ़िया नहीं करा है, फंड्स बढ़िया नहीं है, फंक्शन ही बढ़िया नहीं है, ठीक है। या फिर एक्सेसिव कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी का है, काफ़ी ध्यान देते हैं सब लोग, ऊपर वाले जितने डिपार्टमेंट वाले हैं इन पंचायत की गतिविधियों पर ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। टाइड नेचर फंड्स का है, इसमें दो इम्प्लीकेशंस हैं कि स्टेट यहाँ पे जो है वो हमेशा से अप्रोप्रिएट फंड इनके पास होता नहीं है डिस्ट्रिक्ट पे, या फिर इसकी वजह से इनको नहीं मिलता है तो ये अपना काम नहीं कर पाते हैं। डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट फंडिंग की बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद स्टेटस जो ग्राम सभा का है, मतलब एम्पावरिंग द ग्राम सभा इससे पावरफुल वेपन हो सकता है ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, है ना। और इन्वॉल्वमेंट जो है मार्जिनलाइज सेक्शन का उनके लिए, तो कई सारे स्टेट एक्ट जो हैं वो देखिए पावर वगैरह ग्राम सभा की यहाँ पे थोड़ा इसमें गड़बड़ी है ना, तो इसको थोड़ा मजबूत बनाने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ये भी है। हालांकि देखिए सारे डिस्ट्रिक्ट और पंचायत जो है वो कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं, सिर्फ 20% ग्राम पंचायत ने कहा है कि भैया इनको कंप्यूटर फैसिलिटी नहीं है, तो इन सबको प्रदान करी जाए और उम्मीद करी जाती है कि आगे आने वाले समय में इनको और ज़्यादा मजबूत बनाया जाएगा। तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है चैप्टर। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और बाकी सब ये हैं, ये फेसबुक पे आपको ये सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, इस पेज पे हमारे लाइक करके पेज को देख लीजिएगा, बाकी ट्विटर की इंस्टाग्राम की और टेलीग्राम की ID मैंने बता दी। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, प्लीज़ अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, हैव अ वंडरफुल डे।